हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो में मैं आपको मोटो G14 का BGMI टेस्ट करके बताऊंगा कैसा आपको ये मोबाइल फोन में गेमिंग परफॉर्मेंस मिलता है। बट अगर आप प्रोसेसर की बात करते हो, इसमें यूनिसॉक T616 का एक बहुत ही अच्छा चिपसेट दिया गया है जिसमें बहुत ही अच्छे से गेमिंग हो जाएगी। एंड मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें नोटिस की है जो आपको वीडियो के आगे पता चल जाएगा। एंड अगर आप गेमिंग के रिगार्डिंग देखते हो मतलब BGMI कैसा मिलेगा तो ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, नीचे सब्सक्राइब भी होगा, वीडियो पसंद आती है आप जस्ट टैप करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। एंड देखिए, गेम खेलने से पहले मोबाइल फोन का हम टेम्परेचर चेक करते हैं। टॉप से स्टार्ट करेंगे, टॉप में आप देखिए 32.9 है, अगर आप सेंटर में देखते हो 32.6 है, एंड अगर आप बॉटम में देखते हो 31.8 है। देखिए गेम खेलने से पहले का टेम्परेचर, उसी के साथ में ग्राफिक्स आप देख लिए BGMI आपको कैसे मिलते हैं। अगर आप स्मूथ ग्राफिक्स पे खेलते हो आपको हाई फ्रेम रेट मिलता है, जी हाँ। अगर आप बैलेंस पे स्विच करोगे सेम आपको यहाँ पे हाई फ्रेम रेट देखने को मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पे HD पे भी स्विच कर दो सेम आपको यहाँ पे हाई फ्रेम रेट मिलता है, जो कि अच्छी बात है, यहाँ पे फ्रेम रेट में कोई कमी नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं स्मूथ प्लस हाई पर हम खेल के कैसा परफॉर्मेंस मिलेगा। एंड फुल हम यहां पे गेम प्ले करेंगे। गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है। कैसा गेमिंग परफॉर्मेंस था और कैसा मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस था इस फोन के रिगार्डिंग, मतलब Moto G14 के रिगार्डिंग, ये मैं आपको यहां पे शेयर करूंगा। सबसे पहले ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं। ग्राफिक्स आपको अच्छे देखने को मिल जाएंगे एंड हम सिर्फ यहां पे TDMI गेम प्ले करेंगे। क्लोज रेंज फाइट होगी, हमें पता चल जाएगा कितना लैग होगा, कितने फ्रेम्स ड्रॉप होंगे और सबसे अच्छी बात कितना ये फोन हीट होता है। देखिए अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हो, मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है कि परफॉर्मेंस में कोई भी डिले नहीं है। जी हां, 10,000 की रेंज में मुझे लगता है कि अच्छा चिपसेट है जिसमें बहुत अच्छे से गेमिंग हो जाएगी। जी ज्यादा फ्रेम्स ड्रॉप होते नहीं है, 40 FPS पे आपकी अच्छे से गेमिंग, बहुत ही अच्छे से गेमिंग हो जाएगी, लगभग अच्छे से नहीं बहुत ही अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे यहाँ पे TDM खेले, उसके बाद भी मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा है। एंड अगर आप फुल जायरो प्लेयर हो तो आपको यहाँ पे जायरोस्कोप भी बहुत ही अच्छा मिलता है। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि जायरोस्कोप डिले है या नहीं, मैं आपको बोलूँ बिल्कुल भी आपको डिले नहीं देखने को मिलेगा। ये चीज़ मुझे काफ़ी सरप्राइज लगी Moto G14 की। मैं सोच रहा था कि थोड़ा वो डिले मिलेगा जायरोस्कोप में, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, डिले बिल्कुल भी नहीं था, गेमिंग एक्सपीरियंस मेरा एक्सेलेंट था। अब आप बोल रहे हो इस चिपसेट में एक्सेलेंट क्यों, क्योंकि जो प्राइस पे आता है जहाँ पे आपको जायरोस्कोप डिले भी नहीं मिलेगा तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो जाता है। देखिए इतना ही बोलूँगा, फुल डेडिकेटेड गेमिंग के लिए नहीं, बट अगर आप नॉर्मल गेमिंग भी करना चाहते हो बहुत ही अच्छे से इसमें गेमिंग कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने गेमिंग करके देखा, क्योंकि मैं जायरो प्लेयर हूँ फुल जायरो, तो मुझे जायरो में कोई भी इशू नहीं देखने को मिला है। जो जायरोस्कोप है बहुत ही अच्छे से काम करता है। जी हाँ, सेंसिटिविटी भी आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आप, अगर स्कोप ऑन करके खेलते हो या फिर रोटेट करते हुए आप, मतलब ज़्यादा आपको डिले देखने को नहीं मिलेगा और लैग का भी बिल्कुल भी इशू नहीं है कहीं पे भी। देखिए थोड़े बहुत फ्रेम से ड्रॉप होते हैं, बट मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, आपकी गेमिंग बहुत ही अच्छे से हो जाएगी अगर आप BGMI खेलते हो तो। और उसी के साथ में मैंने HD पे भी गेम प्ले किया था, मतलब HD ग्राफिक्स में, वहीं पर मुझे परफॉर्मेंस अच्छा लगा था। देखिए लैग ज़्यादा नहीं है और मैं बोलूँगा कि इस प्राइस रेंज में परफॉर्मेंस आपको अच्छे से मिल जाता है। उसी के साथ में हीटिंग की बात करते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आफ्टर 45 मिनट्स, मतलब 45 मिनट खेलने के बाद में जो हीटिंग थी, मतलब जो टेम्परेचर था, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले ऊपर से टॉप से स्टार्ट करते हैं, टॉप में आप देखिए 39.5 मिलता है, और अगर आप सेंटर में देखते हो 38.8 है, एंड अगर आप बॉटम में देखोगे 37.8 है। ये आफ्टर 45 मिनट्स का। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गेम प्ले देखिए, उसके बाद में लास्ट हीटिंग टेस्ट की बात करेंगे और आपको कैसा परफॉर्मेंस लगता है जरा आप यहाँ पे ये क्लिप्स में देखिए।
तो यहाँ पे आपने देखा कुछ इस तरह से आपको मोटो जी 14 में BGMI परफॉर्मेंस मिलता है। अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करते हो, मैं बोलूँगा इम्प्रेसिव है इस प्राइस सेगमेंट में। उसी के साथ में देखिए 1 hour 30 minutes के बाद, मतलब एग्जैक्टली 90 minutes के बाद इसका टेम्परेचर आप देखिए, मतलब अगर आप लॉन्ग टाइम तक खेलोगे ये कितना हीटिंग आपको, मतलब कितना टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पे टॉप से स्टार्ट करते हैं, टॉप में आप देखिए 38.7 टेम्परेचर है। अगर आप यहाँ पे सेंटर में दिखोगे 39.5 है, यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है सेंटर में। अगर आप बॉटम में दिखोगे 38.3। देखिए मैक्सिमम जो टेम्परेचर है मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ऑलमोस्ट 40 या 41 जाता है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा हीटिंग का भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। सो ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हो मोटो जी 14 की, तो मैं आपको बोलूँगा अच्छा सा आपको गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं, नॉर्मल गेमिंग में भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और गेमिंग के रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन है नीचे आप कमेंट के थ्रू कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है लाइक कीजिए, और कुछ इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।